would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I... Wow, ये टेरेस है ना? ये टेरेस है भाई यहाँ की. टेरेस देख लो एक बारी. रूफटॉप कैफे. रूफटॉप कैफे. गलत बोल रहा हूँ. ऊपर बार रेडी हो रहा है. वाओ, यहाँ का सीन देखो ऊपर का. यहाँ पे बनेगा रूफटॉप कैफे. बन रहा है इनका. रेडी हो रहा है. रेडी नहीं है अभी. कैफे तो रेडी है. फिर ऊपर बार रेडी हो रहा है. अच्छा, ऊपर बार रेडी हो रहा है. नीचे कैफे है. यस, और नीचे रूम्स भी है मेरे पास. और यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर का क्या सिस्टम है? क्योंकि यहाँ तो मतलब जो आएंगे रात को कितने लेट नाइट कितने बजे तक डिनर सर्व होता है? वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. जिस टाइम आप चाहें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि लोग पार्टीज वार्टीज करते हैं ना. हाँ, तो वो जल्दी तो, खाते नहीं खाना. हाँ, तो खाते हैं तो फिर रात को मतलब ना 12 1 बजे कोई 11 बजे खा रहा. तो लेट नाइट भी सर्विस है ना यहाँ पे? बिल्कुल. यहाँ पे भी बैठ सकते हो. बैठने की जगह तो बहुत है यहाँ पे. अलग अलग जगह बैठ सकते हो. भैया पानी पिलवा दो यार प्लीज, प्यास लग रही है बहुत. हाँ, जो रूफ पे है हमारे ऊपर. अच्छा, ये अपार्ट फ्रॉम टेंट्स है ना सिस्टम ये. भाई देख लो, ऑप्शन सारे हैं. टेंट में नहीं रहना किसी को ना. कई लोग नहीं रहते टेंट में. कई लोगों को चाहिए हमें प्रॉपर रूम चाहिए और व्यू भी चाहिए. रूम भी चाहिए बढ़िया और व्यू भी चाहिए बढ़िया. तो फिर ये कमरे में आओ. अगर स्विस कैंप में चाहिए तो ठीक है भाई. बढ़िया कमरा है, बढ़िया रूम है. फ्लावर पॉट भी लगा हुआ है. ठीक है, और बेड भी ठीक है. कॉर्नर पड़ा हुआ है साइड टेबल. और ये है विंडो. खुल जाती है? बताओ. वाओ, सुबह उठो अपना बढ़िया, खिड़की खोलो और चिड़ियाओं की आवाज सुनो. लाइव अलार्म फोन में तो बहुत सुनते ना हम चिड़ियों की आवाज़ें. यार लाइव अलार्म सुनो तो, है ना? जी बिल्कुल. टेबल और ये चेयर, ये कॉम्बो तो नहीं भाई. स्विस कैंप पता ही है. ये सही स्विस कैंप पे भी लगा हुआ है. ये चेयर और बढ़िया है. सही है, यहाँ पे बैठ कपल का बढ़िया है. हमने उन्होंने कौन सा तीसरा बंदे उठा लिया. यहाँ का वॉशरूम देखते हैं. गीजर भी लगा हुआ है. ठीक है, ठंड होती है यहाँ पे. गीजर तो चाहिए. ठीक है, शावर भी बढ़िया. और ये वॉशबेसन, वॉशबेसन लगा हुआ है. एक टॉयलेट सीट, लेकिन मेरा नहीं है यहाँ पे. एक चीज़ की कमी है बस. मेरा लड़कियाँ तो जब आएंगी तो उनको तो मेरा चाहिए होता है ना. उनका मिरर, उनका बॉयफ्रेंड. वैसे तो लड़कियों के पर्स में भी आजकल मिरर होते हैं. पर्स खुलती है तो मिरर निकल आता है बाहर, है ना? लेकिन फिर भी एक बड़ा मिरर तो चाहिए होता है ना. लगवा देंगे हमारे घर के दिमाग. लड़कियां को टेंटर्स होते हैं भाई. गर्ल्स के ज़्यादा टेंटर्स होते हैं. मिरर चाहिए बड़ा. मुझे पता नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ. मतलब होता है ना. चलो मैम, आपको नहीं चाहिए होता मिरर? मेरे को नहीं चाहिए. अब कहाँ जा रहे हैं मैम? मैम कह रही है यहाँ से एक और व्यू आता है बढ़िया. अगर आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देखना चाहते हो ना एक ही प्रॉपर्टी में रह के, तो आप कहाँ कहाँ आ सकते हो? आपको पता चल जाएगा आपके घर वाले आ रहे हैं या कौन आ रहे हैं. सामने में रोड दी हुई है. मुझे तो बड़ा सही लग रहा है यहाँ पे. मैम कह रही है कि मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि सब अपने जो भी लोग आए यहाँ पे शूज पहन कर आए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्लिपरी काफी होता है. और अगर आप स्लिपर्स वगैरह में आओगे तो फिसल सकते हो. क्या कह रहे हो मैम? ऊपर देखो. ऊपर देखो. ओके, ऊपर तो देखो. यहाँ पर ये क्लाउड्स रनिंग इधर से उधर चलते रहते हैं. मतलब ये तो ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक व्यू है. बाय डिफॉल्ट सिनेमैटिक व्यू है ये तो, है ना? जी हाँ.
फ्लावर्स तो मैं हमारे घर में भी बहुत थे लेकिन ऐसे फ्लावर्स नहीं देखे। ये भी था हमारे घर में, हाँ ये था लेकिन क्या ये इसके साथ जॉइन था? नहीं था ना। ये बहुत प्यारा सा फ्लावर। अच्छा इसके साथ ये लगा हुआ है? ये पूरा इतना बड़ा। वाओ ये देखो इसके साथ ये लगा हुआ है। ग्रेट, दिस इज नेचर। वहाँ देखो बिल्कुल क्लीन था पीछे, वहाँ देखो वहाँ बिल्कुल क्लीन था पीछे, एकदम बादल आ गए वो देखो। चले जी हाँ। चलो ये एक व्यू है, यहाँ पे आके देख सकते हो, खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो और भी जो मन करे कर सकते हो। ये स्टार्टिंग में जो रूम था जिसमें हम आए थे ना, उस समय रेडी नहीं था, सबसे एंट्री में जो शुरुआत में फर्स्ट रूम था ये इस तरीके का देख लो। लेकिन ये एंट्री में रुकने में मज़ा नहीं है बिल्कुल, एंट्रेंस में क्या फ़ायदा। रुकना है तो स्विस कैंप में रुको या फिर वो जो रूम्स के ऊपर थे, रूम्स रूफ टॉप पे जो 3 रूम्स है ना वहाँ रुको, जहाँ पे एक ग्लास विंडो का व्यू है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं रूम्स में, बस यहाँ पे डिफरेंट पता ही है इस रूम में सोफा सेट अलग है, यहाँ पे देख लो बाकी फर्नीचर थोड़ा अलग है। कॉर्नर तो ये वहाँ पे भी था, या फोन भी लगा हुआ है। तो अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय, दे वर काइंड इनफ टू ऑफर अस टी। ये चाय देख लो, आपकी ऑलरेडी डल रखी है ना? मेरी में भी है। ठीक है अब यहाँ से चाय पीते हैं, पता तो कर लिया हमने सब कुछ कि क्या सीन है यहाँ पे। रेट का भी इन्होंने बताया नहीं है मुझे कुछ, कि वो बोल रहे हैं कि जब आप आओगे तो हम उस हिसाब से जो है नेगोशिएट कर लेंगे, बाकी अंदर की खबर ये है कि रीजनेबल है, आओगे तो रिग्रेट नहीं होगा आपको। जी बिल्कुल। और अगर ज़्यादा लोग आएंगे ना, ज़्यादा कपल्स आएंगे तो एक्स्ट्रा थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक आइडिया दे देता हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली जो स्विस कैंप है वो 1500 से ऊपर का नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो देख लो वर्थ है यार, व्यू भी अच्छा है और 1500 रुपये तो ठीक है आज की डेट में होते हैं, काफ़ी होते हैं कई लोगों के लिए, लेकिन देखा जाए तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर भी रूम्स वगैरह लेते हो तो एक एवरेज रूम भी जो है ना मतलब 3-3.5 हज़ार रुपये से कम क्या ही आएगा, अगर ठीक ठाक अमेनिटीज वाला ले रहे हो, 5 स्टार नहीं भी ले रहे हो, नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम भी ले रहे हो, तो यहाँ पे मतलब 1500 के आसपास का कैंप हो जाएगा स्विस कैंप। और रूम्स का क्या सीन है? रूफ टॉप पे जो रूम्स हैं उनका आपका डीलक्स के हिसाब से है, डीलक्स वो थोड़ा और महंगा होगा, अपने हिसाब से लगा लो थोड़ा 2-4 सौ 5 सौ रुपये ऊपर नीचे होगा और क्या ही होगा, तो फिर भी वर्थ है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे जो है शांति बहुत है और पार्टीज वार्टीज के लिए बढ़िया है, लेट नाइट भी अगर आपको डिनर विनर डिनर वगैरह चाहिए तो प्रोवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इनके, कोई भी रूम्स आप लो तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और व्यू तो आपने देख ही लिया, पूरा व्यू आपको दिखा दिया है, कैसा व्यू है, प्रॉपर्टी कैसी है, बाकी देख लो कोई भी बाहर से अगर आना चाहे, और नहीं मसूरी रुकना, मसूरी क्योंकि आजकल बहुत पैक्ड है, और थोड़ा मतलब आउटस्कर्ट्स में आना चाहे तो आ सकते हो यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रास्ता तो वैसे ही है, रुको 1-2 दिन रुको यहाँ पे, फिर उसके बाद चाहे चले जाओ मसूरी थोड़ी देर के लिए, मॉल रोड घुमाओ, बाकी अगर रहना है तो ये रह शांति के लिए बढ़िया जगह है, क्राउड नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी अब हम पी रहे हैं चाय इस समय गरम गरम, मज़ा अलग ही है, और चाय पी के हम निकल रहे हैं यहाँ से घर जी हाँ। बाकी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब हमने यहाँ पर आना है, कब पार्टी प्लान करनी है, जो भी होगा इवेंट कोई भी, तो आई विल श्योरली कम हेयर विद माई फ्रेंड्स फॉर श्योर। और बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी टाइम बाद आज मैंने शूट करा है, आई होप अच्छा लगा आपको। जी हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम कह रही है अच्छा शूट करा है आपने, बाकी देखो क्या होता है, और भी बनाएंगे अभी तो वीडियोज़ आगे आगे, बाकी पता नहीं कब बनेगी नेक्स्ट वीडियो, बट हाँ वेरी सून, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू, बाय बाय।